नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं कोकोनट राइस। ये चटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसके लिए एक कप चावल को मैंने कुकर कर ले लिया है। ठीक है, अभी ये कुक हो गया है, अभी इसको तड़का लगाते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। आधा कप कोकोनट मैंने ऐसे मिक्सी में डालकर, पानी नहीं डाला, ऐसे ग्रेट कर लिया है। इधर एक कढ़ाई रखी हूँ, 2-3 स्पून तेल डाली हूँ। इसमें थोड़ा राई, चार लाल मिर्च, थोड़ा उड़दा, थोड़ा चना दाल, थोड़ा कैशनिक पीसेस करके, दो हरी मिर्च की डालती हूँ देख करके। करी पत्ता, ये कोकोनट तेल किया हुआ कोकोनट डाल, इसे 2 मिनट ऐसे ही चेक कर लेते हैं। कच्चा करी डाल देते हैं, ये हो गया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुक किया हुआ राइस इसमें डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वो आप कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके ऊपर थोड़ा हरी धनिया डाल दीजिए, देखने अच्छा लगता है। अभी मिक्स कर लीजिए। अभी मेरा कोकोनट है चटपट बन गया, देखिए ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये अभी भूखे है, देखिए आप भी घर पर बनाइए। कैसे बना कहकर मुझे कमेंट पर कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।